सो हर हर महादेव। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आया हूँ काफ़ी दूर, इधर पांडोकाल से जो रोड कटती है उधर कुनिगार साइड को, तो वहाँ कुनिगार आगे से भी एक रोड और कटती है जो इधर आती है कैंट साइड को करते एक रोड, तो वहीं गया हूँ मैं आज अपने दोस्त के साथ। आपको जगह दिखाता हूँ, इतनी प्यारी जगह है ना, ये देखो। अभी आपको नीचे से दिखाऊंगा, और नीचे रोड से देखोगे ना ऊपर को तो इतना अच्छा मतलब दिखेगा नहीं कि इतनी अच्छी जगह है, बट आप जैसे वहाँ जाओगे और देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये नीचे जो गांव है ये है बद्यासिम, और आगे है भट्टी गांव, जो सामने है वो है भट्टी गांव, हम वहीं को जा रहे हैं। और अभी हम जहाँ से आ रहे हैं वो है कयाण बोलते हो गाँव का नाम। और फील्ड देखो यहाँ कितना अच्छा है, मतलब एकदम प्लेन, जैसे बुग्याल नहीं होता बुग्याल टाइप का, वैसे ही अगर यहाँ एकदम हरा हरा होगा तो कितना सही लगेगा। देखो ये अब देखो क्या एकदम प्लेन है, यहाँ बच्चे मैच भी खेलते हैं, साथ फील्ड भी बना रखा है, पिच भी बना रखा है, और सामने भी काफ़ी सारे गांव हैं। ऐसे तो दिख नहीं रहे हैं क्योंकि काफ़ी दूर है, तो काफ़ी छोटे छोटे गांव हैं सामने भी। अब इधर साइड का मेरे को पता नहीं है ज़्यादा। बढ़िया एकदम ज़बरदस्त कह सकते हैं, जगह भी लोकेशन भी एकदम सही है। और वो लोग भी काफ़ी आगे चले गए हैं तो मेरे को भी फटाफट जाना पड़ेगा, जंगल है पूरा, ऊपर को तो पूरा जंगल ही है, इधर को है मैदान। भूत भूत भी आता है, मछाण वछाण भी आता रहता है इधर को, आता होगा फिर उनको ज़्यादा पता होगा अपने वहाँ के बारे में। तो अभी हम आए हुए तो हमको काफ़ी आधा घंटा हो गया, फिर हम रुके हुए थे उनके लिए। तो जिनके साथ जाना था वो है गज्जी की मौसी, वही ले आ रहे हैं हमको एक जगह जहाँ कुछ काम है गज्जी का। आपको जंगल दिखाता हूँ मैं भी, ये देखो ऊपर साइड दीवार है, फिर दीवार के साइड ऊपर को फिर जंगलात वाली जगह है, और इधर लोगों के खेत वगैरह सब हैं। ये भी खेती था पहले पर अभी कोई कर नहीं रहा सर इसको, पिछले बंजर पड़ा है, इधर के खेत मोस्टली बंजर ही पड़े हैं। और यहाँ देखो यहाँ पता नहीं सूअर ने कितना खोद रखा है, मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। इंसान पहाड़ों में तभी अब खेती वेती कर नहीं रहे हैं इनकी वजह से। देखो जितना आपको ये दिख रहा है ना अलग चीज, अलग मिट्टी खुदी खुदी, तो ये सब सूअर ने, और लोगों ने वो नीचे ना भालू सूअर वगैरह को डराने के लिए नीचे खेतों में देखो कितने सारे बना रखे हैं डराने वाले, ऐसे साड़ी वाड़ी लपेट लपूट के, वहाँ पे भी है उधर भी है, जिससे उनको लगे कि हाँ आदमी है। अभी जंगल का रास्ता एकदम, इधर साइड का पानी है शायद, ये देखो प्यारी सी जगह मिली, यहाँ पानी है तो कितना सही है, तगड़ा लग रहा है एकदम। जानवर जंगलों में ना ऐसे स्रोत बहुत सारे होते हैं जिससे जंगली जानवरों को पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो सही है ये। तो आगे से हम पैदल भी काफ़ी चल लिए हैं, मतलब करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास हम चले गए होंगे जब से हमने स्टार्ट किया चलना, कभी चढ़ाई कभी डाउन, पहाड़ी रास्ता है जनाब। इन में से इन जगहों की ना कम लोग जाते हैं इन रास्तों से, अब तो बहुत सारी झाड़ियाँ हो गई हैं रास्ते में। देखो पीछे आपको रास्ता दिखेगा नहीं, खतरनाक झाड़ियाँ। अच्छा रोड तो अभी भी है ही, ये मतलब रास्ता है ही, पर पहले सही होता होगा यहाँ क्योंकि पहले इन रास्तों पे बहुत सारे लोग जाते थे ना, अब नहीं जाते हैं इतने लोग, सबके पास गाड़ी हुई सब कुछ हुआ। बट यहाँ ना है ऐसे ही, मतलब इधर साइड को कितने ऐसे गाँव भी हैं जहाँ अभी तक रोड नहीं गई है, तो वहाँ के लिए पैदल रास्ता अभी भी है, बोल सकते हैं हम ट्रैकिंग पे जा रहे हैं ऐसा। तो अपनी मंजिल पे हम पहुंच चुके हैं, और सामने में आपको जो गांव दिखा रहा हूँ हम वहीं से आए हैं अभी, वो जो सामने आपको ऊपर ये दिख रहा है ना ये गांव, तो ये है रंगचोड़ा जो कि पांडोखाल से जस्ट 1 किलोमीटर बाद पड़ता है मेलचोरी साइड को, और ये है सिलंगा गांव। तो हम काफ़ी दूर आ गए इधर साइड को, हमारा गांव भी, हमारा जो गांव है ये पहाड़ है ना, ये चौखानी साइड है, तो इसके नीचे को गधेरे को हमारा गांव है,
और ये पांडवखाल भी वहीं पे है, यहीं पे साइड को। तो जो सामने वाला गांव है ना, ये अभी हम यहीं से आए थे, उजिट्टा गांव है। और यहाँ पे जो आपको हल्का सा दिख रहा है, यहाँ पर से ही रोड कटती है, ये इधर कुंडगाड़ को जाती है नीचे को, और ऊपर को हम जहाँ आ रखे हैं वहाँ को आती है। तो हम आ रहे हैं अभी जंगल से बुरास का फूल लेके, और काम हमारा हो चुका है ख़त्म। अब हम जा रहे हैं उनके घर, फिर वहाँ से खाना खा के तब जाएंगे घर को।